है मंदिर और ये है मंदिर शीतला माता का और सब लोग दादी और सब लोग। और अब चलते हैं अंदर, फिर अंदर भी मंदिर दिखाते हैं। हो गई है और इधर पूजा वूजा करके सब लोग आ गए हैं और अब इधर खाएंगे प्रसाद जो घर से लाए हैं बना के, और अभी खाते हैं फिर दिखाते हैं क्या क्या है। तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जाऊं, है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल और अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। और व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। आज इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि मैं सोकर उठ चुकी हूँ, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। और आपको पता है कि सब लोग माता पूछते हैं शीतला माता को, जैसे दाने वाने होते हैं ना बॉडी में किसी के, तो उनकी पूजा करने जाते हैं। तो एक महीने का वो चलता है। तो कौन से महीने में आता है मम्मी? अषाढ़ का कोई महीना होता है ना, उसमें आता है। और अभी ये 20 तारीख को ख़त्म हो जाएगा क्योंकि फिर 22 तारीख से सावन है। तो मम्मी भी आज जाने वाली है, मैं हूँ मायके में और मम्मी आज जाएंगी। कल सासू माँ गई थी और कल तो मैं शूट नहीं कर पाई वहाँ का, पर आज मैं आपको दिखाऊँगी वहाँ का। और आज मम्मी जाएगी और अगर मैं मम्मी के साथ जाऊँगी तो फिर मैं आपको पूरा वहाँ दिखाऊँगी, वहाँ का मंदिर कहाँ पर है अजबपुर में और सब कुछ। तो अभी मम्मी ने फ़िलहाल पूजा के लिए बना दिया है, हलवा वगैरह तैयार कर दिया है ये हलवा। और यहाँ गुलगुले का बैटर हो गया तैयार, अब मम्मी यहाँ बनाएगी गुलगुले। और चाय भी बन गई है और पूरी के लिए आटा भी। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ना खाते ही हैं बैठ के, मुँह झूठा करके आते हैं। तो आलू की सब्जी भी बनेगी और पूरी गुलगुले ये सब लेकर जाएंगे, है ना मम्मा? यही सब ले जाते हैं, ले जाएंगे माता के मंदिर में। हाँ, जय माता दी। तो यही सब होगा। और अभी फिलहाल जब बन गई है चाय, पहले पी लेते हैं चाय और फिर बाद में मिलेंगे जब पूरा खाना तैयार हो जाएगा तब आपको दिखाएंगे। नहा लिया है और नहाने के बाद यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। अब तो मम्मी ने पूरी पोती सब रख दी है और यहाँ पर ये पूरियाँ बन चुकी हैं, बट अभी ये पैक हो चुकी है। और यहाँ पर बन चुकी है आलू की सब्जी, आलू की सब्जी रख दो, हलवा वहाँ है। और मम्मी तो हो चुकी है तैयार और अभी चलेंगे। हाँ, मम्मी की फ्रेंड भी आई है, आंटी और बुआ जी। और अब मैं भी फटाफट से तैयार होती हूँ और फिर चलते हैं मंदिर। या मेरे पापा को देख सकते, पापा से हेलो। ऐसी कार्टून पंक्ति करते रहते हैं, हंसाते रहते हैं मुझको यहाँ पर पूरा दिन भर। हाँ, मम्मी यहाँ पर सब्जी रख ली है और फिर ये सब्जी मेरी बिटिया ने बनाई है, ये सब्जी मेरी बिटिया ने बनाई है, बहुत सुंदर सब्जी, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, बिना खाए स्वादिष्ट, बिना खाए स्वादिष्ट लग रही है। अब जब वहाँ खाएंगे तब पता चलेगा। तो और अब फटाफट से होते हैं तैयार, मैं भी तैयार जाती हूँ, फिर चलते हैं मंदिर, फिर भी मिलते हैं आप। हम हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए और मम्मी भी हो गई है रेडी और वो है आंटी। आंटी हेलो करो। और ये बुआ जी और पापा भी हो गए हैं तैयार और दादी भी हमारे साथ जा रही है, तो दादी को अभी दिखाएंगे। और अभी निकलते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं बाहर। तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए और हमारी आ गई है कैब, आगे पापा, इधर मम्मी और पीछे दादी है। और अब चलते हैं फटाफट से मंदिर और फिर मिलते हैं मंदिर में। तो हम फिलहाल पहुंच चुके हैं मंदिर और ये है मंदिर शीतला माता का और सब लोग दादी और सब लोग। और अब चलते हैं अंदर, फिर अंदर भी मंदिर दिखाते हैं। और ले रहे हैं प्रसाद। तो अंदर है माता शीतला, यहाँ पर मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी, पूरा प्रसाद वरसाद सब यहीं से बनाकर लेकर जाएगी, फिर अंदर दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ सब कर लिया है मम्मी ने, ये प्रसाद और ये येल्लो कलर हल्दी घोलते हैं, थापे लगते हैं, तो वो सब कर रही है। यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, यहाँ क्या है कि जब प्रसाद चढ़ाने के बाद मुँह झूठा करके जाते हैं तो सब लोग खाना खा रहे हैं बैठ के, जो भी बना कर लाते हैं प्रसाद वो सब यहाँ चख कर ही जाते हैं। तो पूजा वगैरह सब हो गई है और इधर पूजा वूजा करके सब लोग आ गए हैं और अब इधर खाएंगे प्रसाद जो घर से लाए हैं बना के, और अभी खाते हैं फिर दिखाते हैं क्या क्या है प्रसाद। मैंने यहाँ खा प्रसाद निकाल दिया है, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, पूरी, हलवा, गुलगुले। और अभी खाते हैं फिर बताते हैं।
और ये मेरा प्रसाद है, अभी इसको खाते हैं और फिर बताते हैं कैसा बनाया है मम्मी ने। तो हो गई हम लोगों की पूजा और अब आ गए हैं बाहर और अब चलते हैं घर, पहनते हैं चप्पल। ये है दादी। और सब लोगों की हो गई है पूजा, अब वहाँ से स्लीपर्स पहनते हैं फिर चलते हैं घर। तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से और अब चलते हैं घर, पहुँचते हैं घर फिर मिलते हैं घर जाकर। तो हम लोग आ गए हैं घर मंदिर से होकर और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा मंदिर है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो मम्मी लेकर जाती थी और अब तो मैंने पहली बार देखा, कल भी देखा था और आज भी देखा, दो दो बार दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लगा। सब लोग गए थे साथ में और दादी भी अब चली गई है घर और आंटी और बुआजी तो अभी है ही हैं और मम्मी, और अब बस फटाफट से चेंज वेंज करते हैं और फिर बाद में मिलेंगे। तो चेंज वगैरह सब कर लिया है और अब करते हैं थोड़ी देर आराम और फिर बाद में मिलेंगे आपसे। होकर उठ चुकी हूँ और चाय वाय पी और आप देख रहे हैं टीवी, नाटक वगैरह, घर आई हूँ तो सीरियल भी देखती हूँ थोड़ा बहुत। और अभी मम्मा भी आने वाली है, फिर मिलते हैं आपसे बाद में जब डिनर करेंगे तब। बन रहा था डिनर तो मैंने सोचा आज मम्मी पापा को तिल की चटनी खिला देती हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं तिल कर रही हूँ, भून रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने वो कर दिया है, मूली काट दिया है और प्याज। और मैंने सोचा मूली की चटनी बनाते हैं, मूली की चटनी सही भी होती है, आलू तो थोड़ा वैसा होता है। तो आज मम्मी और को चटनी खिला देते हैं, गुरखाली चटनी। वैसे जब मम्मी और घर आते हैं तो ही खाते हैं, बट मैंने सोचा एकदम से मम्मी अभी आए सब्जी वगैरह लेके, तो मैंने बोला मैंने कहा चलो मैं चटनी बना के खिलाती हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ, पहले इसको भून लेती हूँ, मूली मैंने कट कर दी है, बस अब फटाफट से बनाते हैं और फिर जब बन जाएगी तब आपको दिखाएंगे। चटनी बन चुकी है और यहाँ पर मम्मी बना रही है फिलहाल रोटी, मम्मा बना रही है रोटी और चटनी पापा ने फ्रिज में रख दिया कि थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो अभी दिखाएंगे चटनी आपको जब खाने बैठेंगे, जब डिनर करेंगे तब दिखाएंगे। तब तक मम्मी रोटी बना लेगी फिर खाना खाते हैं। और ये मम्मा है, गर्मी में भी किचन में काम कर दी है, रोटी बना दी है और अभी जब डिनर करेंगे फिर तब आपको मिलते हैं। तो खाना हो चुका है रेडी और मेरा खाना ये है आलू की सब्जी, दही रोटी, ये आलू की सब्जी और ये है चौलाई की साग और ये है चटनी तिल की। और ये मम्मी का खाना है आलू सोयाबीन की सब्जी और इधर बैठे हैं पापा, पापा ये भी है मेरी सब्जी और और इधर अब खाएंगे खाना, ये मेरी सब्जी भी है, मेरी बहन ने दी है सब्जी और अब खाते हैं फटाफट से खाना तिल की चटनी। और तिल की चटनी मेरी बेटी ने बनाई है, ये बनाई है तिल की चटनी मेरी बेटी ने, बहुत बहुत प्यारी चटनी बनाई मेरी बिटिया ने, बहुत स्वादिष्ट चटनी, पापा को भी दे दो, लवली मस्त। तो अब खाते हैं फटाफट से खाना और खाना वाना खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो खाना वगैरह खा लिया है और अब सोते हैं, इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मंदिर वाला, शीतला माता का मंदिर आप सबने भी देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा वो देख लिया होगा। तो एंजॉय करें, मिलते हैं जल्दी से नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, गुड नाइट।